नमस्कार दर्शक बंधु, झांसी रोसई रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम मुड़की रेसी बनवा या को बहुत सरल उपाय एवं बहुत कम समय बनई आपण मानक देखेबी। या छोटर बड़ पर्यंत समस्ते खाइबा को पसंद करिवे। एबे हमर दिवाली आछि, या को बने आपण माने फ्रेंड किबा रिलेटिव मध्ये देइ परिवे। आज मु पूरा मेजरमेंट सब आपण मानक बनई देखेबी, जाद्वारा आपण मानकर खराब हर बिल्कुल भी चांस नाही। बनवा समय परफेक्ट भाव कहबी, तेज चलतु बनवा आरंभ करवा। आज आम चूड़ार मुड़की बनवा, तेणु मुझे गोटे कप चूड़ा नहीं मैंने भल कि दाबिकी चूड़ा को ने कहीं चूड़ाटा बहुत जल्दी पूरा कप भरीज। ये पतला चूड़ा मो पाखे तेणु मुझे आपण मैंने मोटा किंबा पतला कि भी नहीं पारे। या प्रथम आम ग्राइंडिंग कर आर गोटे पाउडर बनवा। एवं मुझे जार को देदेली, या आम नहीं ग्राइंडिंग करवा। एठी आमर चूड़ाटी ग्राइंडिंग हो गला, देखंतु एठी मु पूरा पाउडर करनी। या सूजी जेपर बने से भाव बन आपण मैंने भाव रखिए, पूरा पाउडर करेन। एठार मु एही कप्रे सबुड़ी को मेजरमेंट करछि। आपण मैंने जेकोसी कप हो कि कटोरी रे नहीं मेजरमेंट करेंगे। एठी मु गोटे कप चावल पाउडर नहीं, आपण मैंने चावल को नहीं बने पाउडर बन पारे किंबा मार्केट रु किणी मध्य आनी पारे। एठी मु हाफ कप बेसन नहीं, चावल अधा आम बेसन नवा। आमर गोटे कप चूड़ा, गोटे कप चावल एवं हाफ कप बेसन दरकार। एठी मु गोटे पीस बटर नहीं, बटर थिले नेबे किंबा आ जागे घी मध्य नहीं पारे। यही बटर टी दबा द्वारा बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनिबो। एठी मु गोटे कड़ई रखिली, एही कप्रे सब मेजरमेंट करथिले तेणु मु दुई कप पानी देदेली। आमे गोटे कप चूड़ा नहीं चंती जेहेतु आमे दुई कप पानी दबा। एठी आमर पानी टी गरम है, मु हाफ चमच लुण देदेली। आमे जो बटरटा नहीं बटर टी देद, आपण मैने थरे बटर किंबा घी रे बन देखु, देखिए केते टेस्टी आउ क्रिस्पी बनब। एबे आकु मिक्स कर नबा। एठे आमर पानी टी फुटीगला, तेणु एबे चूड़ार पाउडर को धीरे धीरे देद। या भल भाव मिक्स कर नबा, या धीरे धीरे भल भाव मिक्स करेंगे, ना भितर कंठी कंठी हो। एबे आमे गैस रो फ्लेम को पूरा पूरी बंद कर दबा, चावल रो पाउडर को दे दबा, या को मिक्स कर नबा। एबे आमे बेसन को दे दबा, भल भाव मिक्स कर नबा। जुआनी हाफ चमच दबा, धला राशि जोटा आम खसा कहती देढ़ चमच दे दबा, अल्प लंका गुंड दबा, हलदी पाउडर अल्प दबा। एटि देखो मुझे हेंगू नहीं अल्प देद। एवं या भल भाव मिक्स कर नबा। आम एटी जो हेंगूटा देले या द्वारा बहुत बढ़िया फ्लेवर आसीबो। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ चमच दबा, या मिक्स कर नबा। या गोटे प्लेट को देद, अल्प थंडा होगापर हाथ में आम चकटा। एटी देखो मु प्लेट को देदे, यह कम गरम अच्छी। एम यहाँ नहीं भल भाव हाथ में चकटा। एटी जदि आपण मान बेसी टाइट थाए तेब अल्प अल्प पानी छिंची छिंची या चकट ने एकाथर बेसी पानी देवेनी, ना यह पूरा खराब हो। नरम अच्छी तेणु पा दरकार नहीं। आमे चकटा समय भल भाव चकटा, जमी कौन भी गंठी रखानी। एटी देखु मोर मिश्रण टी पूरा नरम अच्छी। एटी आमर मुड़की डो टी पूरा परफेक्ट अच्छी। या तीन भाग रे भाग करदेली, या भल भाव ढांकी रखा। एठी आमर मुड़की बनवाई मुझे मेसीनटा नहीं आम बनवा। आपण मान पाखे जदि न थाए तेब आपणसी स्टील बासन दुकान देखिए मिल जाए आपण मन को। प्रथम आम ब्रश रे आते टे रिफाइन ऑयल लगेद, जहाद्वारा डोटा बिल्कुल भी लगभग। प्रथम किसी डो आते देदेली, एवं आम यू नहीं बनवा। एटी मुझे गोटे थाली नेली, प्रथम देखूँ मुझे गोटे मुड़की बनैली। या केते सुंदर भाव बनुची, आमर बिल्कुल भी भांगुनी, तेणु ये आमर डोटा पूरा परफेक्ट अच्छी। जदि आपण मानकर भांगी जाए बनवा समय, तेब आपण मैंने गोटे काम करेंगे, गोटे चमच किंबा दुई चमच पानी दे भल कि चकट ने देखिए, तापर बनवे पूरा बढ़िया भाव बनब।
ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି, ଅଧିକା ଜୁଆଣି କିମ୍ବା ଖସା ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଖସା ଆଉ ଜୁଆଣି ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଲାଷ୍ଟର ଏଣ୍ଡକୁ ଭଲକି ଟିକେ ଦାବି ନେବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଦାବିଲେ ଏହା ଛାଣିବା ସମୟରେ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବନୁନି ତେବେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ବନେଇ ନେବେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବେ, ଦେଖିବେ ଏହା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନିଯିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ। ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବନିଗଲାଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇ ନେବା, ତାପରେ ହିଁ ଅଏଲ୍ରେ ଛାଣିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମର ତେଲଟା ଏଠି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୁଡ଼କି ବନେଇବେ ତେଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କଲା ପରେ ହିଁ ଦେବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଗରମ ଥାଏ ତେବେ ତେଲ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ। ପରଫେକ୍ଟ ଗରମ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ମୁଡ଼କିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବି। ଆମେ ମୁଡ଼କିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା ପରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା, ଲୋ ଆଦୌ ବି ରଖିବେନି। ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇବାନି, ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲଟେଇବା। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ବନେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବି ଭାଙ୍ଗୁନି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନୁଛି। ଏଠାରେ ଆମର ବବଲ୍ସ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବବଲ୍ସ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଡ଼କିଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆମର ମୁଡ଼କି ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମୁଡ଼କି ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବା, ତାପରେ ହିଁ ମୁଡ଼କି ଦେବା। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମୁଡ଼କିକୁ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି, ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମୁଡ଼କି ବନିବ, ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଡ଼କି ଦେଖାଉଛି, ଏହାର ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବେ ସେତେବେଳେ ଭଲକି ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖୋଲିବନି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଡ଼କି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇ ନେବା। ଏଠି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ମୁଡ଼କି ଗୁଡ଼ିକ ବନିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି, ଏହା ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ ହେଇନି କି ଲୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ହେଇନି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଖାଇବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।